अब तक आप लोगों ने पंछियों के घोंसले के बारे में सुना होगा, जिसमें चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ रहती है। दिन भर अपने भोजन की तलाश में भटकने के बाद शाम को घोंसले में लौट आती है और अपने बाल बच्चों को खिलाती है। ये तो थी चिड़िया के घोंसले की बात, लेकिन अगर कोई कहे कि इंसान भी चिड़िया की तरह घोंसले में रह रहा है तो आपको उसकी बातें मजाक लगेंगी, लेकिन ये हकीकत है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मजबूर गाँव वालों की वो दास्तां जिसने उन्हें एक इंसान से पक्षी बना दिया है। जब कुदरत कहर बरसाती है और राहत के नाम पर बस सरकारी कागजों में खाना पूर्ति ही रह जाती है, ये जिंदगी तब भी मुस्कुराती है। जब तेज आंधी घोंसला तबाह कर देती है तो नन्ही चिड़िया फिर से तिनका तिनका जोड़ नया नीड़ बनाती है। बिहार में बाढ़ के बाद के हालात देखेंगे तो पॉजिटिविटी का यही मैसेज सामने पाएंगे। वीडियो भागलपुर का है। गंगा अब शांत हो रही है, हो भी क्यों ना, बाढ़ से तबाह लोगों का। लेकिन सरकार के द्वारा घोषित किए गए मुआवजे की राशि और प्रशासन के लोगों के लिए अस्थायी ठिकाने की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से लोग पेड़ पर बने अपने घोंसले में रहने के लिए मजबूर हैं।